जैन टेंपल यानी कि देरासर, जैनों का जो मंदिर होता है उससे कहा जाता है देरासर। इट वॉज बिल्ट इन 1848, 1848 में बना हुआ है, और उस समय पे इसे बनाने का कॉस्ट 8 से 12 लाख के बीच में हुआ था। ये मंदिर उसके नक्काशी और डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। ये पूरा रेती का पत्थर है, सैंड स्टोन यूज किया हुआ है। जैनिज्म में 24 तीर्थांकर है, उसमें से 15वें नंबर के तीर्थांकर धर्मनाथ को पूरा मंदिर डेडिकेट किया हुआ है। आपके बैक साइड पे राजस्थान चित्तौड़ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा विजय स्तंभ, यहाँ पे है कीर्ति स्वामी, उनको डेडिकेट किया हुआ है। जो मंदिर होते हैं वो दो हिस्सों में होते हैं, पहला सभा मंडल जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, दूसरा जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है उसे कहा जाता है गर्भगृह। बीच में जो भगवान है वो है धर्मनाथ, जिनको पूरा मंदिर डेडिकेट किया हुआ है। धर्मनाथ 15वें नंबर के तीर्थांकर। ओके, अगर आप मैं और यहाँ पे भी देख सकते हो हर एक भगवान की मूर्ति एक जैसी दिख रही है। सो राइट नाउ वी आइडेंटिफाई विद नेम, ऊपर की तरफ नाम लिखा हुआ है गुजराती में, बट द जैन पीपल आइडेंटिफाई विद स्पेशल लोगो विद नोन एज लांछन। यहाँ पैरों के नीचे सांप का चिन्ह है, ज्यादातर बर्ड और एनिमल का सिंबल रहेगा हर एक मूर्ति के नीचे की तरफ। बाद 1848 की जब ज्यादातर गुजरात और राजस्थान में पहले के समय पे पानी की दिक्कत हुआ करती थी, वाटर प्रॉब्लम था, उस समय पे हठी सिंह ने सोचा कि मैं ऐसा कोई मंदिर बनाता हूँ जिससे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए, जॉब क्रिएट की जाए। मंदिर का काम स्टार्ट हुआ, आगे का जो पोर्शन था वो बन रहा था, उसी समय पे उनका देहांत हो गया। नॉर्मली हम अपशकुन मान के छोड़ देते हैं, पर गुजरात के अंदर आप पाटन की रान के वाव जाओगे या ये मंदिर देखोगे, तो वो वाइफ ने बनवाया अपने हस्बैंड के लिए। ये मंदिर का काम चल रहा था तब, उस समय पे नॉर्मली अब क्या है लोग पैसे लेके छूट जाते, बट उस समय पे उनकी वाइफ ने 60 रूम का घर है सिटी के अंदर, वो छोड़ के यहीं पे रहते थे तंबू लगाकर। हुआ है कि इतने सारे मजदूर में से एक मजदूर ने यहाँ पे चोरी की, सेठानी को पता चल गया। दूसरे दिन सभी मजदूरों को बुलाया, बुलाने के बाद उनकी जो सैलरी थी वो डबल कर दी। जिस बंदे ने चोरी की इसको गिल्टी फील हुआ, उसने सामने जाके अपनी गलती स्वीकार कर ली, बताया कि मुझे प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने काम किया था। सेठानी ने बताया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी आपको सिर्फ मुझे बताना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके जैसे कोई दूसरे पर्सन को भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी जो हम सैलरी दे रहे हैं उससे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मंदिर के बारे में कहा जाता है इसका नक्काशी का और डिज़ाइन इतना बढ़िया कि आप पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सिटी का नाम क्या है? अहमदाबाद। इसके पीछे एक स्टोरी है, कुछ लोग कहते कि सच है, कुछ लोग कहते कि स्टोरी है। जब 1411 में अहमद शाह बादशाह यहाँ पे आए थे शिकार करने के लिए, तो शिकार की एक पैटर्न रहती, आगे शिकार कूदते रहते, उसके बाद उनके सैनिक रहते हैं राजा अगेंस्ट सैनिक, तो जो शिकारी कुत्ते थे वो दौड़ के वापस आ रहे थे नियर टू साबरमती रिवर। तो राजा खुद वहाँ पे देखने के लिए गए कि आगे क्या हो रहा है। उन्होंने देखा जो छोटे खरगोश थे वो शिकारी कुत्ते को भगा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। उन्होंने अपने गुरु से बात की जो अभी सरखेज के रोजा में, तो गुरु ने बताया कि ये जो नदी का पानी है, ये नदी का पानी पी के खरगोश भी बड़े हो चुके हैं। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे सिटी बसाऊंगा तो स्पेशली मेरी आर्मी कैसी रहेगी, क्योंकि कोई भी राजा को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्मी, सिटी को एक्सपांड करने के लिए, बड़ा करने के लिए। और इसीलिए 1411 में अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद की स्थापना की, जिनके नाम से कहा जाता है अभी अहमदाबाद। इसके अलावा कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा और शायद आपको पता भी हो, जिनको नहीं पता हो आप वो भी बता देना। ओके, कर्णदेव सोलंकी के नाम से कर्णावती, पता था? ओके, आशा बिल के नाम से आशावली,
और इस नाम पे तो मैं डैम श्योर हूँ कि 99.9% सबको नहीं बताओगा, यह है राजनगर। जैनों का एपिक सेंटर था ये, और जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है वो है राजनगर। और अहमदाबाद का एक नाम वो भी है राजनगर। पुराना अहमदाबाद जो है वो 12 गेट के अंदर है, और इसीलिए वॉल सिटी भी कहा जाता है।